मेरा नाम नवेद खान है और मैं सोफिया स्मार्ट सेंटर में एज अ प्रोफेशनल किचन ट्रेनर हूँ। जो आज के हमारी डिश है वो है मलाई कोफ्ता। तो मैं आपको पहले कुछ उसके इंग्रेडिएंट दिखा देता हूँ, फिर हम आगे के प्रोसेस की बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मलाई कोफ्ता के लिए मैंने 4 टमाटर लिए हैं, ठीक है, और उनको मैंने पीस लिया है। इसके अंदर मैंने 6 से 8 लहसुन की कलियाँ डाली हैं और 1 इंच अदरक डाला है काट कर। और ये मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं, इसको भी मैंने पीस लिया है। और टमाटर के अंदर मैंने लहसुन और अदरक डाल के पीस लिया है। और हम जो कोफ्ता बनाएंगे, मलाई कोफ्ता, तो उसके लिए मैंने ये 3 छोटे आलू लिए हैं और लगभग 150 ग्राम पनीर लिया है। तो हम इसको ग्रेट करेंगे, देन इसका हम डो बनाएंगे और फिर उसके बाद हम इसको बाउल्स बना के उसको फिर डीप फ्राई करेंगे। तो अब हम पहले ग्रेवी बनाएंगे, फिर उसके बाद हम जो बनाएंगे फिर हम कोफ्ते की तैयारी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमें पहले चाहिए 2 से 3 बड़े चम्मच घी। तो मैं यहाँ देसी घी इस्तेमाल कर रहा हूँ मलाई कोफ्ते के लिए। आप चाहें तो इसके लिए नॉर्मल सरसों का तेल या रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच घी लिया है। इसको थोड़ा गर्म करेंगे, देन जैसे ही मेल्ट होगा फिर उसके बाद हम इसमें ये अपने कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि छोटी इलायची 3 से 4 डालनी है, 8 से 10 डालने हैं काली मिर्च, तेज पत्ता अगर आपके पास बड़े हैं तो 3-4, और ज़ीरा। इसको टेंपर करना है, फिर उसके बाद हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। हमने प्याज का पहले ही पाउडर बना रखा है, तो पहले थोड़ा सा इसको टेंपर करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। आप चाहें तो 2 तरीके से बना सकते हैं कि इसके अंदर प्याज को स्लाइस करके, टमाटर स्लाइस करके डाल सकते हैं और कूटा हुआ अदरक लहसुन इसमें डाल सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे जो है टमाटर भी पीसा है और टमाटर के अंदर अदरक लहसुन डाल के पीसा है, और प्याज भी मैंने यहाँ पे पीसी है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे हम डालेंगे इसमें 2 छोटे चम्मच धनिया, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, पिंच ऑफ हल्दी, ये इतनी हल्दी डालेंगे, 1/2 चम्मच, ओके, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। आप अगर कम खाते हैं तो कम, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा। अब हम इसको अच्छे से टोस्ट करेंगे। अब हम इसको जब मसाले डालने के बाद 2 से 3 मिनट भूनेंगे, ताकि इसका थोड़ा सा तेल ऊपर फ्लोट हो जाए, मसाले पक जाएं। जैसे ही मसाले पकेंगे फिर हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे जो हमने पीस रखे हैं पहले से। आप चाहें तो टमाटर स्लाइस करके डाल सकते हैं और प्याज को भी स्लाइस करके डाल सकते हैं, और मसाले सारे ऐसे ही जैसे एज इट इज़ मैंने डाले। बस आपको इतना करना पड़ेगा, आपको बाद में वो ग्रेवी को पीसना पड़ेगा। तो आप चाहें बिना पीसे आप पहले ही पीस कर उसको टोस्ट करके, फ्राई करके, देन आप इसके अंदर पानी डालकर अपनी कंसिस्टेंसी ठीक या गाढ़ी करके आप उसको बना सकते हैं।
नहीं तो आप इसको पहले ही पीस लीजिए, पीसने के बाद इसमें डाल दीजिए, क्योंकि अगर आपने साबुत प्याज को स्लाइस करा और प्याज को और टमाटर को स्लाइस करा तो आपको बाद में ग्रेवी फिर से पीसना पड़ेगी। इसमें मैं थोड़ा सा तेल ऐड कर रहा हूँ अभी, अगर आपको लगे तो आप भी ऐड कर सकते हैं। सिर्फ मैंने ये शाइननेस के लिए इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करा है। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारे जो मसाले हैं वो रोस्ट हो गए हैं, तो अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। ये टमाटर मैंने इसके अंदर लहसुन और अदरक साथ में डाल के पीस रखा है, तो आप चाहें तो ऐसे ही साथ में डालकर लहसुन अदरक पीस सकते हैं। तो हम टमाटर को पकाएंगे अच्छे से थोड़ा सा पानी डालकर, पहले तो टमाटर का पकाएंगे, देन उसके बाद उसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब इस पे ऑयल आ चुका है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जिस कटोरी में टमाटर थे उसी कटोरी में मैंने पानी लिया है। आप पानी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग रखिए, थिक रखनी है थिक रखिए, और अगर आपको रनी रखनी है थोड़ा सा पतला रखना है तो आप उसको पतला रखिए। और इसको टेस्ट भी करिए, अगर कुछ कम है तो आप इस वक्त उसमें डाल सकते हैं। मैं सिर्फ ये इतनी सी चीनी डाल रहा हूँ, इतनी सी है, ताकि जो टमाटर का खटास है वो थोड़ा कम हो जाए। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम डालेंगे अभी फ़िलहाल, और बाद में जो हम क्रीम डालेंगे वो उसकी गार्निश के लिए बाद में डालेंगे। ये लगभग 1 बड़ा चम्मच क्रीम डाली है मैंने इसमें। क्योंकि ये मैं लास्ट में डाल रहा हूँ, हमारी ग्रेवी जो है वो एकदम तैयार हो चुकी है। अब बस हम इसको थोड़ा सा क्रीम डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, देन अब हम इसको थोड़ा सा टोस्ट करेंगे, ज़्यादा देर नहीं, बस 1 मिनट के लिए थोड़ा सा बॉईल देंगे, देन फिर उसके बाद अब हम इसको साइड करके अपनी जो कोफ्ते हैं फिर हम कोफ्तों की तैयारी करेंगे। तो अगर आपको ये शो हो रहा है तो इस पर ऑयल आ चुका है, ऐसे देख लीजिए साइड में सारा ऑयल आ चुका है, तो मतलब जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से पक गए हैं। तो अभी हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो अब हम अपने कोफ्तों की तैयारी करेंगे। तो हम अपना इंडक्शन करते हैं बंद, अब करेंगे कोफ्तों की तैयारी। मैं अपने ये बॉईल कर रखे थे आलू, मैंने इसको 90% बॉईल कर रखा है, तो हम इसको ग्रेट करेंगे। आप चाहे तो इसको बिना ग्रेट करे ऐसे ही हाथ से या स्पून से इसको मसल सकते हैं। मैं इसको ग्रेट करके डालूँगा, तो मैं ये छोटी वाली साइड मीडियम साइड वाला हिस्सा लूँगा और आलू को ग्रेट करेंगे। तो हमें जो चाहिए वो ऐसे लच्छे से निकालने हैं, ठीक है, और ऐसे ही हम पनीर को ग्रेट करेंगे।
ये पनीर है, ये मैं इसको भी ग्रेट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ नमक थोड़ा सा और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे, काली मिर्च पाउडर और अरारोट डालेंगे और इसको अच्छे से मैश करेंगे, मिक्स करेंगे। देन फिर इसके बाद हम इसको इसके बाउल्स बनाएंगे, बाउल्स बनाने के बाद फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि नमक हमने ग्रेवी के अंदर भी डाल रखा है। और इसमें हम काली मिर्च, क्रश काली मिर्च डालेंगे। आप क्रश काली मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब हम इसमें डालेंगे आरारोट, ये एक बड़ा डेढ़ बड़ा चम्मच आरारोट है। अगर आपके पास आरारोट नहीं है तो आप इसके अंदर मैदा भी डाल सकते हैं, सिर्फ इसकी बाइंडिंग करनी है हमें। इसमें हम थोड़ा सा सोडा भी डालेंगे, लगभग छोटा आधा छोटा चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। अब हम इसकी बाउल्स बनाएंगे, आप चाहें तो इसको कट करके भी इसकी बाउल्स बना सकते हैं, जितने आपको कोफ्ते चाहिए जितने बड़े उतनी बड़ी आप इसकी बाउल बनाइए और फिर आप इसको डीप फ्राई करें। मैंने जो बाउल्स का साइज़ लिया है वो ये है, ये साइज़ है, तो आप चाहें तो इससे बड़ा या चाहें तो इससे छोटा साइज़ बना सकते हैं। डीप फ्राई करने के लिए ऑयल डालेंगे, तो मैं इस वक्त इसको डीप फ्राई नहीं करूँगा, इसको मैं शैलो फ्राई करूँगा। हमारा जो ऑयल है वो एकदम हॉट गर्म हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर पहले डीप फ्राई करेंगे। एक साइड हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे, पहले एक साइड हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर उसके बाद इसको चेंज करेंगे। ये हमारा इतना, आप चाहें तो इतना गोल्डन ब्राउन कर सकते हैं कोफ्ता जो है ये हमारा। एक साइड हम जो हैं 2 मिनट के लिए एक साइड फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको पलटेंगे दूसरी साइड पर, हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और जब हम इसकी गार्निश करें, जब हम इसको असेंबल करेंगे साथ में, तो हम एक बोट लेंगे या जो भी आपकी सर्विंग डिश है वो लेंगे, उसके अंदर हॉट ग्रेवी डालेंगे, जो हम कोफ्ते बना रहे हैं वो कोफ्ता डालेंगे, और ऊपर से उसके ऊपर कोरिएंडर लीव्स की और क्रीम की गार्निश करेंगे। अगर आपके पास रोगन है तो आप रोगन की भी उसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन करेंगे हर साइड से। बस ये हमारे ऑलमोस्ट अब तैयार होने वाले हैं। आप चाहें तो इसके अंदर एक चीज़ ये कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें एक चीज़ ये कर सकते हैं कि जब हमने इसके कोफ्ते बनाए थे तो आप उस कोफ्तों के अंदर बीच में फिलिंग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को फिल कर सकते हैं। लाइक अगर आपको कोई ड्राई फ्रूट डालना है, काजू डालना है या किशमिश डालनी है या बादाम डालना है, तो आप उसको इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और फिर इसकी बाउल्स बनाकर उसको डीप फ्राई कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं। तो अभी मैंने नॉर्मली प्लेन बनाया है,
आप चाहें तो उसके अंदर बीच में फिलिंग डालकर उसको डीप फ्राई कर सकते हैं। और जब हमने इसकी ग्रेवी बनाई थी तो आप ग्रेवी के अंदर चाहें तो उसमें काजू भी डाल सकते हैं, काजू को पेस्ट बना के उसको बॉईल करके, या फिर उसको आप डायरेक्ट ऐसे ही डालकर उसको बाद में ब्लेंड कर लें जब आप ग्रेवी बनाएंगे तो, या तो आप उसको बॉईल करके उसका पेस्ट बनाकर डालें, या फिर आप उसको डायरेक्ट ऐसे ही डालकर बाद में उसको ब्लेंड कर लें। हमारे जो कोफ्ते हैं वो हमने डीप फ्राई कर लिए हैं। अब हम बस ग्रेवी को थोड़ा सा गर्म करेंगे, हमने ग्रेवी पहले से बना के रख रखी थी, तो अब हम ग्रेवी को ठंडा करेंगे, सॉरी गर्म करेंगे। अब फिर उसके बाद हम उसको एक साथ मिलाकर हम इसको प्लेटिंग करेंगे। गार्निश करेंगे। अगर हम कभी भी कोफ्ते देते हैं, अगर हमें गार्निश करनी है, तो ग्रेवी गरम है हमारी, हम गरम ग्रेवी के अंदर ये गरम गरम कोफ्ते ऊपर से रखेंगे। हम कोफ्ते इसमें इसलिए नहीं डाल रहे ताकि जो हमारा जो कोफ्ता है वो ग्रेवी पी ना ले, ये सोगी सा हो जाएगा। तो अभी हम इसको थोड़ा क्रंची सा रखने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं। गार्निश के लिए आप रोगन भी डाल सकते हैं, मैं इस वक्त ऊपर से क्रीम डाल रहा हूँ, आप क्रीम भी डाल सकते हैं, और धनिया का पत्ता भी हम इस्तेमाल करते हैं गार्निश के लिए इसके ऊपर। तो हमारी जो मलाई कोफ्ता है वो तैयार है, तो आप भी प्लीज़ एक बार अपने घर पे ट्राई करिए। ये मलाई कोफ्ता जो है हमारा अब तैयार है। मैंने इसको जो गार्निश करा है सिर्फ और सिर्फ क्रीम से करा है। आप चाहें तो इसके ऊपर धनिया पत्ते भी लगा सकते हैं।